ये जो चीज है ना जो आप देख रहे हो ये इतनी ग्रीनरी, ये मेरी मम्मी और मेरी बीवी के लिए सोने चांदी से ऊपर है। मम्मी भी मान गई, शायद भी मान गई है, और इनको मनाना बहुत आसान है। भाई मम्मी इसकी गई हुई है अपने काम पर, बताते ना दीदी मेरी टीचर गवर्नमेंट तो वहां गई हुई है। कामाक्षी आ जा, चलो 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 चलो। अच्छा ऊपर सोना है। पानी क्या रही अद्विका? क्या? हाय। बता लो मुझे सी तो हट, अदू हटना। अदू आ जाओ चले दूसरे। ये देखो ये कर रही है जब से। जल रहा है। कामाक्षी भुट्टा सेक रही है। अरे वाह। अरे अरे वाह यार, मुझे भी खाना है भुट्टा। आ जा मेरे बच्चा, आ जा। थैंक यू बच्चे। आ जा आ भुट्टा खाएंगे, चलो जल्दी जल्दी बच्चा भुट्टा खाएंगे। यार तुम सब कितने मीन हो यार, मेरी छाती पे उस डायनासोर को सुला के यहाँ भुट्टा सेक रहे हो यार। दो थैंक यू। हमारे फ्रिज में ये लगा लो कि ये सेक्शन पूरा आइसक्रीम और चॉकलेट से भरा रहता, पर इसने भाई साहब लास्ट बची हुई लिक्विड वाली चॉकलेट और वो भी जाने वाली है। ये लो 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 लो। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल मास्टर ट्यूब। पूरा दिन सोने में निकाल दिया इस चीज को लेके, मेरे और मम्मी के बीच में थोड़ी बहस भी हो गई है। कल था मेरे ससुर जी का बर्थडे, तो वहाँ सेलिब्रेशन से रात को 1 बजे के आसपास आए हैं मैं और शाय और अक्षय, बाकी घर वाले जल्दी आ गए थे। हमारे का भी बर्थडे था, घर में अगर प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम से तो हम 1 बजे आ गए थे, और उसके बाद गॉसिप करने के में इतनी सारी चीज होती है। सुबह 5 बजे तक मैं और शाय बहुत सारी बातें की, हमने बहुत सारी बातें यार, हर मिडिल क्लास फैमिली में जब भी प्रोग्राम होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं बात करने को। इसने वो पहना, इसने ये किया, इसने वो, ऐसे बहुत सारी बातें करते करते 5 बज गए। मैं अभी 1 घंटे पहले उठा, मम्मी ने इतना बड़ा लेक्चर दिया ना मेरे को, मम्मी और ने मेरे बीच में छोटी सी एकदम छोटी सी जो होती है ना क्यूट वाली वो फाइट हो गई। शायद बेचारी लपेटे में आ गई, शायद जबकि जल्दी उठी थी, 5 बजे सोई थी और 10 बजे उठ गई थी। तो शायद आप मेरे से नाराज हो? बिल्कुल नाराज नहीं हो ना, नीचे का थोड़ा सा। कामाक्षी तुम्हारे से नाराज है? कामाक्षी और मेरी 2 दिन के बाद सुलह हुई है, हमारी लड़ाई हो गई थी इस चीज पे, इसमें धार नहीं है। और तू मेरे से नाराज है? नहीं है ना, हो गए तो बहुत मारूंगा, छोटा हो तो पाकिस्तानी। तो ये रैक पहले ये लगा होते थे, अब शाय को मिल गई ये पूरी प्रॉपर वैनिटी। इस रैक और ये रैक, ये 2 रैक फालतू हो गए, और ये शाय जो रैक है ये मेरे कमरे में घुसाने की सोच रही है, क्योंकि अंदर 5 रैक है और ये हमारे होने वाले बेबी कपड़े जूते वगैरह जो भी होंगे खिलौने वगैरह सब रखने के लिए कमरे में, और कमरे में हमारे बिल्कुल स्पेस नहीं है। ये लास्ट स्पेस जो बची है इनको सामानों को हटा के यहाँ पे वो कवर्ड लगाने की हम सोच रहे हैं। अगला कमरा जब भी कभी घर दोबारा बनेगा तो अपना कमरे को थोड़ा बड़ा करवाएंगे, ठीक है? कमरा बड़ा है बट यू नो इस साइड भी इधर एक मैं आपको चीज बताता हूँ कि ह्यूमन नीड एक ऐसी चीज है कि ना पहले ना इससे छोटे कमरे में हम रहते थे तो यार वहाँ पे एक बेड आता था और कोई साइड में साइड टेबल भी लग पाती थी। अब उससे बड़े कमरे में आ गई कि एक इतनी बड़ी टीवी यूनिट लगी हुई है, साथ में कबर्ड्स लगे हुए, अलमीरा लगी हुई है, और साइड में रैक लगने के बाद भी लगा लो कि आराम से 2 आदमी गद्दे बिछा के दोनों साइड बैठ के सो सकते हैं। पर आज ये कमरा भी छोटा लग रहा है, अब इससे बड़ा बनवाएंगे। तो मेरा देखो, मेरा जो मन है कि अगले बार जो रूम बनेगा तो उसके अंदर इसके साथ साथ एक टू सोफा सेट या फिर एक टेबल और एक चेयर वाला ऑप्शन भी कमरे में होता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे वो वाली चीज अपने चाहिए कमरे में, अगली बार अगर बनता है कुछ भी नया कमरा तो। आपने यार मैंने ना कल इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दी, मैंने बाल कर्ली कटवाए और मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दी शाय मेरी दीपो वगैरह की, स्टोरी भी डाली मैंने 1-2 इंस्टाग्राम पे, फॉलो नहीं करता कर लो पहली बात तो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो भाई ये जो बाल मैंने काटे तो लोगों ने इतने कमेंट, इतने पर्सनल मैसेज किए, इतने सारे मैसेजेस हैं कि आपने बाल काट लिए, छोटे बाल काट लिए, कोई कह रहा छोटे बाल बुरे लग रहे, कोई कह रहा आपके बड़े बाल सूट करते, कोई कहता छोटे बाल सूट करते, कोई कहता बहुत बुरे लग रहे, कोई कह रहा लग रहे हो। तो भाई देखो ये घर में आके ही काट गया बंदा, तो जैसे भी थे कट गए। मैं सच बता रहा हूं मैं इन बालों से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं, बड़े बालों से ना गर्मी में मैं बिल्कुल बुरी तरीके से परेशान हो चुका था, तो मेरे लिए तो ये बाल बिल्कुल परफेक्ट है। अदो तुम एक तो ये मेरी भांजी वाला लाइट स्विच ऑन ऑफ करने में इसने हमारे स्विच के आधे बेड़े गर्क कर दिया, आधे घर की लाइट को बेड़ा गर्क कर दिया। अदो मैंने बोला कि मामी बुरी है, कहती नहीं मामी अच्छी है, और क्या बोला आपने? मामी अपनी पत्नी को ऐसे ही बोल रहे हो? उल्टा अपनी पत्नी को उल्टा बोल रहे हो? ओ भाई ये तो आज की नारी है भाई, आज का बच्चा आज की नारी खून घोलता है, लड़की पत्ते चारोता है तो। जल लो ये टॉय, इसकी टाई आपने तोड़ दी थी, लो आ जाओ फिर आ जाओ। वो देखो लाइट फ्यूज हो गई। अरे यार ये एक लाइट की फ्यूज हो गई, एक हो गई ये वाली। तेरा भला हो। अरे वो तो छूटते गिर गई, मैंने तो कुछ भी नहीं किया।
मैंने कुछ अद्दू उतरना मत, अद्दू उतरना मत, उतरना मत। अरे मैंने पकड़ा था एक दो तीन चार बार, वो गिर गया यार। ये कांच तो मैंने इकट्ठा कर दिया है, बाकी शायकारी कागज में वो उसे भर देगी और उठा लेगी, क्योंकि अगर मैं इसे बाहर तक लेके जाऊँ शाफ्ट तक तो कहीं ना कहीं पीस रहने के चांसेस, तो यहीं पे शायद से कांच भर लेगी और ये काम मेरे से नहीं होगा, बहुत बारीक काम है। बाकी इकट्ठा मैंने पूरा करके यहाँ रख दिया, देखो कांच ये इकट्ठा कर दिया। चलो अभी कोई नहीं कोई नहीं, तो एक एक तो कोने से आपने कोने से नीचे से निकाला होगा बैठ के। आप तोड़ के सब पे उधार लगा देते हो। उधार लगा दो आपने इस गुड्डा फेंक के मारा था जब गिरा, झूठ क्यों बोल रहे हो? मौसी से माफी मांग, सॉरी बोलो। चलो अगर आपसे नुकसान हुआ तो सॉरी बोलना चाहिए ना। बाय बाय। चलो जाने दो। एक ने यहाँ से पकड़ रखा है, एक ने यहाँ से पकड़ रखा है, मतलब कैसे कहीं जाने नहीं देना यार, ये क्या मतलब है? अब बेबी मैं आ जाऊंगा 8:30 बजे तक आ जाऊंगा। ये गाड़ी साफ नहीं कर रहा था मैं, ये वो अक्षय की शादी के टाइम पे ये गाड़ी सजी थी, इसमें बहुत सारे बुकेज वगैरह लगे थे, तो उसके टेप के निशान आज 2 महीने हो गए, वो टेप के निशान ना लगे हुए थे, तो गाड़ी में वॉश करने जा रहा हूँ, उनसे हटता नहीं हो गया था भैया, हमसे नहीं हट रहा भैया, ये नहीं हो रहा, मेरे क्रूज के साथ भी ये हुआ था, तो भाई मैंने सोचा इसको मैं घर से साफ करके ले चलता हूँ। तो शाही को मिट्टी का तेल सूना बहुत पसंद है, तो उसके पास से मिट्टी का तेल चुपचाप से लेके आया मैं, बिना पता उसे कपड़े पर लगा लगा के वही छुटा रहा था मैं टेप के निशान। अब भाई मम्मी उठेंगी तो मम्मी के लिए सोच रहा हूँ, मम्मी और शाही को है पेड़ बहुत पसंद, तो उनके लिए मैं सोच रहा हूँ कहीं पे कोई नर्सरी मिलेगी, तो शाही को पाम ट्री बहुत पसंद है, और मम्मी के लिए देखो कौन सा क्यूट सा ट्री मम्मी के कमरे के लिए देखूँ जो मम्मी को पसंद आए, प्लांट सॉरी ट्री नहीं। तो देखते हैं भाई, अद्दू के लिए भी कुछ खाने पीने के लिए ना, आज तो बाहर निकले तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेके घर चलेंगे। भाई नर्सरी तो मैं पहुँच गया हूँ, ये सेम वही नर्सरी जिसमें आपने मेरा को एक ब्लॉग में मैंने इसको मेंशन भी किया था, यहाँ पे कई सारी नर्सरी है, पर ये भाई मैं साफ बता रहा हूँ ये थोड़े ओवर प्राइस्ड है, पर शायद को पाम ट्री ही चाहिए क्योंकि पाम ट्री ही नहीं है हमारे घर में, तो वो पाम ट्री मुझे लगता है कि ये बड़ी नर्सरी है, यहाँ मिल जाएगा। पर मैं तो आपको लोगों को रिकमेंड करूँगा कि जो चीज़ यहाँ जो मतलब ये लगा लो कि हमारे घर के पास या आसपास जो 100 रुपये की चीज़ है वो यहाँ पे 300 रुपये चीज़ है, इतना फर्क है। पाम ट्री देख के ना शाही खुशी का ठिकाना नेक्स्ट लेवल होगा, और मम्मी की खुशी तो भाई बिल्कुल ही पेड़ों को देख कैसे जाते हैं कि पता नहीं कितना बड़ा गिफ्ट दिया, सोने चांदी से ऊपर है मेरी मम्मी के लिए और शाही के लिए। ये जो चीज़ है ना जो आप देख रहे हो ये इतनी ग्रीनरी, ये मेरी मम्मी और मेरी बीवी के लिए सोने चांदी से भी ऊपर है। कितने का ये? 100 रुपये का। ये 100 का है पाम ट्री, बढ़िया ना, ये दो ये निकाल दो और दो वो बड़े निकाल दो। चलेगा। कौन सा? सेंगोनियम वगैरह। ये है क्या? सेंगोनियम। सेंगोनियम जिसमें कम पानी डालना पड़ेगा, धूप भी कम लगे, चौथे दिन 300 दिन पानी डालना पड़ेगा, धूप कितने दिन में? धूप जरूरी नहीं दिखाना। अच्छा कितने का ये? ये 100 रुपये का। ये दो दो तीन इंडोर लिए हैं और दो पाम इंडोर ले लिया, आउटडोर भी देख रहा है अगर मिल जाए तो, मेरे को आउटडोर पाम है मुश्किल है, एक मिल जाएगा मिलेगा जी। मिल जाएगा तो है दो बड़े पाम इंडोर इंडोर ही है, और ये दो इंडोर छोटे टेबल के लिए पाम, और ये एक पेड़ लिया और एक वो कैक्टस। यस कितनी शॉपिंग बहुत है भाई, तुम्हें खुश होना चाहिए, हो जाना चाहिए मम्मी और बहन दोनों को। अरे मम्मी और बीवी को यार, बहन को भी शौक है, पर बहन को प्लांट का पता नहीं कितना जानवरों का है। ये सरप्राइज गिफ्ट है मेरी बीवी और मेरी माँ के लिए। ओ भाई गाड़ी ये लगा लो कि पूरे लॉकडाउन के बाद अब साफ होने की नौबत आई है, बढ़िया। भाई मेरी गाड़ियों से बहुत प्यार है, इसलिए मैं टाइम टाइम अपना वॉशिंग कराने की मेरी आदत लगी हुई है और मैं करा लेता हूँ। एक बार तो अटैक आ गया था, गाड़ी टेढ़ी हुई, गाड़ी गई गड्ढे में।
पर वो थोड़ा प्रेशर उठाने में से टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। GoPro में जो मुझे एक दिक्कत लगती है कि भाई ये लो लाइट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है जितना कि ये डे लाइट में या फिर नेचुरल लाइट में करता है, या तो आपने आर्टिफिशियल लाइट लगा रखी है। तो मैं इसके एक लाइट लेने की सोच रहा हूँ। बाकी भाई गाड़ी की वॉशिंग तो हो गई है और भाई मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन में गाड़ी एक ऐसी वॉश पक्का डिजर्व करती है। अगर भाई आप गाड़ी से प्यार करते हो तो भाई ये चीज़ मान लो कि 10-15 दिन में आपको ये प्रेशर वाली वॉश करा लेनी चाहिए। शाइन कैसे में कैसे लगा सरप्राइज? मैंने आप सुबह लड़ाई कर ली थी ना इसलिए। मैं लेट हो गया, मैं दोस्तों बस बैठ गया हूँ, बीच में लेट हो गया। हाँ एक नहीं 3 घंटे लेट। आपके लिए पाम ट्री लाया, छोटे छोटे डेस्क के फूल 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 भी आ जाएगा। थोड़ी थोड़ी स्माइल आई, थोड़ी थोड़ी बार थोड़ी थोड़ी स्माइल, थोड़ी थोड़ी स्माइल। चिप्स अक्षय भी लेने गया क्योंकि बीच में दुकान बंद हो गई थी। ये सब की एक है, दे दो। ऊपर बहुत अच्छी हवा चल रही है। अच्छा चल रही है, आप हैप्पी हो इनसे? सही था ना पाम? मुझे बता दो पाम चीज़ है। अद्दू के चिप्स भी आ गए। लड़कियों की ना एक चीज़ हमेशा से है, शायद ने मेरे साथ पूछा है पेड़ आपको बहुत महंगे पड़े होंगे। मैंने कितने का? कहते 350 का। मैंने कहा नहीं, ये से पड़ा मुझे एक बड़े वाला 250 का। तो शाय का क्या निकला? अरे यार ये लोकल से खरीदते हैं ना नर्सरी से, तो 100 रुपये का मिल जाता। मतलब पहले इसने 350 बोला, मैंने 250 बोला, पर फिर भी कह रही 100 रुपये में मिल जाएगा। मैं 100 को बोलता था कि 50 का मिलता शायद। सच में कितने का मिला? 250 का। टोटली 950 रुपये के सारे के सारे। और एक ना एक मुझे एक अनाउंसमेंट करनी थी, सच में मैं करना चाहता था पर मैं काफ़ी दिन से डिले कर रहा था कि मैं ब्लॉग शूट नहीं कर रहा था। तो भाई मेरे भाई अक्षय ने एटर्नल फीलिंग्स के नाम से अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर ली है इवेंट मैनेजमेंट की, जिसके भाई ओनर सीईओ ओनर जो भी है सब अक्षय ही है। बाकी आपको कोई भी इवेंट, कैसा इवेंट, जो भी इवेंट कराना हो, कुछ भी छोटे से बड़ा, सब के सब अंडर वन रूफ आपको मिलेगा अक्षय के पास। इनके इंस्टाग्राम हैंडल का और मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई सैंपल तो आपने मेरी शादी का देख ही रखा है कैसी होती है, पर अब अक्षय ने अपना बिल्कुल पर्सनल अपना अपने लेवल पे स्टार्ट कर लिया है अपना पर्सनल। तो भाई पहले करते जैसे करते थे, अब ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह हैंडल्स हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काम आपने मेरा देख ही रखा है शादी का। बाकी अगर और भी आपको काम देखना है, डेस्टिनेशन वेडिंग हर चीज आपको इनके पेज में मिलने वाली है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको नंबर मिल जाएगा। तो जो भी भाई वो जेन्युइन हो, जिसको काम कराना हो, वही कॉन्टैक्ट करना, क्योंकि भाई वो ऑफिस का नंबर है, मैनेजर वगैरह उठाते हैं। तो इसलिए जो भी जेन्युइन हो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, जिसको भी कुछ भी अपना ऑर्गेनाइज कराना हो, कोई भी पार्टी छोटी बड़ी जैसी भी, शादी से लेके बर्थडे किटी पार्टी हर चीज, ठीक है भाई? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अक्षय को। वहां पे उनके मैनेजर का भी नंबर होगा, सब कुछ आपको वहीं मिल जाएगा। ये खाना खाने के बाद छत पे घूमने का मजा अलग है। आओ मित्रा एक बार इधर सुनो, आज सुबह मैं आपसे लड़ पड़ा, आप मुझसे लड़ पड़े। इतना बुरा तो नहीं था मैं, गुस्सा कुछ ज्यादा ही है। गुस्सा वुस्सा कुछ ज्यादा नहीं है, बाकी खाना ज्यादा खा लिया क्योंकि बाहर का हमने, बहुत पेट फूटने को हो रहा है मेरा। हाँ बहुत खा लिया, झूले में बैठूंगा। इतनी अच्छी हवा चल रही है, मौसम मैंने कहा ना आज बहुत अच्छा हो रखा है, थोड़ा बारिश बारिश का भी लगा भी था। आराम से आराम से आराम से आराम से बारिश बारिश का मौसम लग भी रहा था, थोड़ी बहुत हुई थी हल्की बहुत बूंदाबांदी, उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। क्या किया मैंने भाई? क्या लड़के की नजर है, मतलब हवा में ऐसे हाथ मार रहा था मयंक। मैं ना बालकनी से लटक के, लिटरली यहाँ से लटक के मैं ना हवा मार रहा था। मैं सोच रही क्या देख रहे हैं बालकनी से, ये हम बाहर से, मयंक ने हाथ मारा, मांजा हाथ में आ गया, पता में आ गई यार। और यहाँ से कौन देख सकता है, और इसमें काफी मांजा है, अक्षय उड़ा रहा है, उड़ भी रही है, आवाज भी आ रही होगी सर करके। ये तो सही था यार, रात में एडवेंचर कर दिया भाई। तो करना अटक जाएगी, आप लोगों को दिखेगी नहीं, पर भाई इतना मान जाए कि पतंग बहुत छोटी हो चुकी है। अगर लिटरली देखोगे तो देखो छोटी शायद वो देखो दिखी दिखी। चलो गाइज इस ब्लॉग में इतना ही, मम्मी भी मान गई, शायद भी मान गई है, और इनको मनाना बहुत आसान है, ये रूटीन नहीं थी, पर यार मैं मम्मी से लड़ा तो शाही को भी थोड़ा सा मूड डाउन हो गया था। बाकी मम्मी भी बड़ी खुश है, शाही भी खुश है। इनके लिए पेड़ जो मैंने पहले बताया था, पेड़ हीरे चांदी से ऊपर है, ये देख के पेड़ देख के इनको बड़ी आसानी से बना जा सकता है। हीरे से ऊपर नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर हीरे का भी कुछ ले लेना यार तुम। तो इस ब्लॉग में इतना ही, और कल हम जा रहे हैं, वो कल के ब्लॉग में पता चलेगा। बाकी इस ब्लॉग में इतना ही, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं,
बाय गाइस, शाय को भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाय गाइस, सी यू इन आवर नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।